कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि भाई को भाई से लड़ाकर विकास नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में अब आदिवासियों की बात सुनी जा रही है। 100 यात्रियों को ले जा रहा कजाकिस्तान का एक विमान अल्माटी हवाई अड्डे पर 2 मंजिला इमारत से टकरा गया, जिसके कारण 14 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ यात्रियों को बचाया जा रहा है और अब तक 14 की मौत हो गई है। घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाएं मौजूद है। साल 1999 कारगिल की ऊंची चोटियों पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को यह अंदेशा नहीं था कि उनके ऊपर आसमान से गोले बरसने लगे थे। भारतीय वायुसेना के MiG-27 ने आसमान से पाकिस्तानी सैनिकों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। वायुसेना के इस बहादुर ने पाक सेना की सप्लाई और पोस्ट पे इतने सटीक और घातक बमबारी की जिससे उनके पांव उखड़ गए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किए गए घातक लड़ाकू विमान MiG-27 की आखिरी स्क्वाड्रन को शुक्रवार को औपचारिक रूप से विदा कर दिया गया। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हाड़ कंपाती ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। यहां पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं के चलते सर्दी का सितम जारी रहेगा और ठिठुरन बढ़ेगी। दिल्ली में गुरुवार को सबसे सर्द इलाका पालम रहा, जहां दिन का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से सीख लेते हुए कर्नाटक के BS रेड्डियप्पा सरकार अब प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। कर्नाटक में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ मंगलूर में प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में तेजी आई है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 1 लीटर पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को देश के प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम औसतन 6 पैसे बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में औसतन 16 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल का दाम 84 दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। झारखंड के जमशेदपुर पूर्व विधायक सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के बागी नेता का कहना है कि सचिवालय में मौजूद कई अहम कागजों और फाइलों को चोरी छुपे जलाया जा रहा है। हिंदी फिल्म उद्योग को कश्मीर में फिल्में बनाने का न्योता कश्मीर के राज्यपाल JC मुर्मू के सलाहकार फारूक खान ने दिया है। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर में अब आतंकवाद का गढ़ नहीं रहा, बल्कि पर्यटकों के लिए सुरक्षित स्वर्ग जैसी स्थली बन चुका है, जहां शूटिंग हो सकती है। नागरिकता कानून CAA के विरोध में हुई हिंसा के मद्देनजर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रदेश के 20 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा फिर से बंद कर दी गई है। इनमें अधिकांश वे जिले शामिल हैं जहां पहले सप्ताह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जामिया नगर बवाल मामले में आरोपी स्थानीय नेता व छात्र नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस को ऐसी वीडियो मिल गई है जिसमें स्थानीय नेता व छात्र नेता भीड़ को उकसा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए भाषण भी दे रहे हैं।